स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। तो जैसा कि आपको पता है कि UPSI की जो पुरानी भर्ती है वो कंप्लीट हो चुकी है और नई भर्ती आने वाली है। तो सभी को बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी रहती है कि सब इंस्पेक्टर जो होता है उसकी जॉब कैसी होती है, सैलरी कितनी होती है, प्रमोशन कितना होता है। तो आज हम इसी टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो आप ये देख लीजिए, ये स्क्रीन पर ये लोगो लिख रहा है, ये उत्तर प्रदेश पुलिस का लोगो है, जिसका जो है कि सुरक्षा आपकी, संकल्प हमारा। ये लोग जब आप इस फील्ड में जा रहे हो तो एटलीस्ट आपको अपना लोगो तो पता ही होना चाहिए कि क्या है, और जो आने जो नेक्स्ट एग्जाम जो होगा उसमें जो लोग पार्टिसिपेट करेंगे तो उनको भी ये पता होना चाहिए, क्योंकि ये क्वेश्चन एक बार बन चुका है। तो हम शुरू करते हैं वीडियो को, देखते हैं कैसे क्या है। तो जो उत्तर प्रदेश पुलिस का उप निरीक्षक होता है, इसकी सैलरी कितनी होती है, इसमें प्रमोशन कैसे कैसे होते हैं, इसकी वर्क प्रोफाइल क्या होती है, ये सब हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। हाँ, और एक बात ये कि ये जो मैंने लिख रखा है उत्तर प्रदेश सब इंस्पेक्टर, तो कुछ लोग कहेंगे कि इसमें सिविल पुलिस या PSC, ऐसा नहीं होता है। सब इंस्पेक्टर जो होता है वो केवल सिविल पुलिस में ही होता है। जो PSC में जो सब इंस्पेक्टर होता है उसको प्लाटून कमांडर कहते हैं, और जो फायर स्टेशन में जो क्या कहते हैं सब इंस्पेक्टर होता है उसको फायर स्टेशन सेकेंड ऑफिसर कहते हैं। इसलिए मैंने यहाँ पर उत्तर प्रदेश पुलिस उप निरीक्षक लिख रखा है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो जो सब इंस्पेक्टर का जो ग्रेड पे होता है वो 4200 ग्रेड पे होता है, और ये जो है लेवल 6 की जॉब होती है। तो जो 4200 ग्रेड पे की जो बेसिक पे जो बनती है वो बनती है 35400, और अभी तक जो होता था वो डी आपका 34% लगता था, लेकिन अब पिछले महीने से क्या हुआ है, डीए जो आपका 4% इंक्रीज कर दिया गया है। तो अब जो डीए लगा करेगा वो लगा करेगा 38%। और इसके अलावा कुछ आपको अलाउंस भी मिलते हैं, जैसे कि फूड अलाउंस मिलता है और HRA वगैरह मिलता है। HRA आपको एक्स सिटी, वाई सिटी, जेड सिटी के हिसाब से मिलता है, लेकिन मैंने जो इसमें काउंट करा है वो एक्स सिटी के हिसाब से काउंट करा है, जो कि 4400 समथिंग होता है। और उसके बाद आपको जो आपकी यूनिफॉर्म होती है उसको क्लीनिंग के लिए चार्जेस मिलते हैं, आपको फ्यूल मिलता है बाइक के लिए। तो जो टोटल इन सबको मिलाकर जो ओवरऑल सैलरी बनती है वो आपकी जो इन हैंड सैलरी मिलती है वो होती है 55129 रुपये, ये आपको इन हैंड मिला करेगी। और पहले होती होगी सैलरी कम पुलिस में, पता नहीं पहले क्यों बोलते थे कि सैलरी कम है, सैलरी कम, अब तो अच्छी ठीक ठाक सैलरी मिलती है, ये आपको पहले महीने से सैलरी मिलेगी। और इस बार जो सबसे खुशी की बात यह है वो ये है कि पहले क्या होता था कि ट्रेनिंग में सैलरी नहीं मिलती थी, लेकिन इस बार से क्या होगा कि आपको ट्रेनिंग में सैलरी मिलेगी। सैलरी कैसे मिलेगी, जो ट्रेनिंग में आपको मिलेगी वो मिलेगा आपको बेसिक पे, प्लस डीए। अलाउंस वगैरह आपको नहीं मिलेंगे आपको ट्रेनिंग में, लेकिन आपको बेसिक पे प्लस डीए मिलेगा। फिर भी आपकी सैलरी जो तकरीबन बनेगी वो 50,000 अप्रोक्स बनेगी, तो इतनी सैलरी आपको ट्रेनिंग में मिलेगी। तो आगे देखते हैं, अब हम बात कर लेते हैं कि जो सब इंस्पेक्टर का प्रमोशन होता है वो कैसे कैसे प्रमोशन होता है। देखिए, सबसे पहले तो आपको सभी को पता होगा कि जो सब इंस्पेक्टर की ट्रेनिंग होती है वो 1 साल की होती है। पहले आपको 1 साल ट्रेनिंग करनी पड़ेगी, और ट्रेनिंग भी ठीक ठाक अच्छी होती है उसी में, मतलब ये तो पहले तो ये होता था कि 3500 रुपये मिलते थे, लेकिन इस बार आपको पूरी सैलरी मिलेगी, तो आपकी ट्रेनिंग बहुत अच्छे से कट जाएगी, आपको ये साल पता भी नहीं चलेगा। फिर जब आप 1 साल ट्रेनिंग कर लेंगे, फिर उसके बाद 1 साल आपका होगा प्रोबेशन पीरियड। प्रोबेशन पीरियड का मतलब यह है कि आपको एक तरीके से प्रैक्टिकली सिखाया जाएगा, एक सब इंस्पेक्टर के अंडर में रखा जाएगा, जिनके साथ आप अंडर तो नहीं कह सकते, मतलब उनके साथ में आपको जॉब करनी होगी, साथ में रहना होगा, वो आपको सिखाएंगे कैसे क्या होता है, कैसे क्या करना होता है। तो वो 1 साल का आपका प्रोबेशन पीरियड होता है, जहाँ पे आप सभी कुछ सीखेंगे। उसके बाद जब आपका प्रोबेशन पीरियड कम्प्लीट हो जाएगा, उसके बाद से आपका टाइम काउंट होगा, जो कि 7 साल का पीरियड होता है। मतलब 7 साल जो है ये मिनिमम टाइम है, मैक्सिमम तो 8 साल 9 साल लग जाते हैं मतलब प्रमोट होने में। जो आपके 13 बैच के जो सब इंस्पेक्टर थे वो तो अब सब प्रमोट होकर इंस्पेक्टर बन चुके हैं। तो जो आपको क्या कहते हैं, 7 साल में आप इंस्पेक्टर की पोस्ट पर पहुंच जाएंगे। इंस्पेक्टर की पोस्ट यानी कि 3 स्टार जो आपके गोल्डन कलर के होते हैं। उसके बाद जब आप इंस्पेक्टर बन जाएंगे उसके बाद आपको मिनिमम 15 साल लगेंगे। 15 साल जब आप जॉब कर लेंगे उसके बाद अगर आपका कैरेक्टर अच्छा रहता है, आप पे कोई भी चार्जेस नहीं लगते हैं, आप एकदम स्वच्छ छवि रहती है आपकी, तो उसके बाद 15 साल में आप बन जाएंगे डेप्यूटी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, यानी कि DSP, जिसको अपनी क्षेत्रीय भाषा में CO या क्षेत्र अधिकारी बोल देते हैं। और ये एक गजेटेड पोस्ट होती है, गजेटेड मतलब कि आप अपने निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र हो जाएंगे।
तो सीओ की जो यूनिफॉर्म होती है उस पर 3 3 स्टार ही होते हैं, लेकिन वो कैसे हो जाते हैं, वो आपके सिल्वर कलर के हो जाते हैं। तो इस तरीके से आपका प्रमोशन होगा, और उसके बाद आपका प्रमोशन एएसपी का होता है, जो कि बहुत रेयर केस में होता है। एएसपी पर प्रमोशन अगर आप कम उम्र में ठीक ठाक मतलब 22 23 साल की उम्र में लग जाते हैं तो चांसेस है कि आप एएसपी तक पहुंच जाएं, अदरवाइज वैसे तो नहीं पहुंच पाते हैं, सब लोग सीओ से ही रिटायर हो जाते हैं। अब हम आगे देख लेते हैं कि सब इंस्पेक्टर की वर्क प्रोफाइल क्या होती है। ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, क्योंकि जो एक सब इंस्पेक्टर होता है उस पर काफ़ी जिम्मेदारी होती है। सब इंस्पेक्टर के जो अधिकार होते हैं, उसका जो कार्य क्षेत्र होता है वो बहुत बड़ा होता है। तो उसी में से हम कुछ देख लेते हैं, जैसे कि आपका पहला है कि अपने अधिकार क्षेत्र में कानून और व्यवस्था बनाए रखना। मतलब कि जो सब इंस्पेक्टर होता है उसको जो क्षेत्र दिया जाता है वहां पर कोई भी अगर गतिविधि होती है तो उस पे उसी को नजर रखनी होती है। अगर कुछ गलत होता है तो उसको जाकर देखना पड़ेगा, ब्यौरा तैयार करना पड़ेगा, ऊपर रिपोर्ट सेंड करनी पड़ेगी, उसकी पूरी जिम्मेदारी उसी पर होती है। अगर आपके अधिकारी आपसे पूछेंगे कि आपने क्या किया, तो उसकी जवाबदेही आपकी होगी कि आपने उस पर क्या एक्शन लिया क्या नहीं लिया। उसके बाद अपराधियों की जांच करना और अपराधियों को गिरफ्तार करना। जब आप जा पहले आपको जांच करनी होगी कि वहां पे क्या हुआ है कैसे हुआ है, आपको रिपोर्ट बनानी पड़ेगी, और उसके बाद वहां पे अपराधियों को जो अपराधी पाया जाएगा उसको गिरफ्तार भी आप ही करेंगे, आप ही न्यायालय तक उसको लेकर के जाएंगे, ये आपकी जिम्मेदारी बनती है। तीसरा जो है वो है लोगों और संपत्ति की अवैध कार्यों के जोखिमों से सुरक्षा करना, यानी कि कुछ असामाजिक तत्व होते हैं हमारे समाज में या लोग होते हैं, उन सभी से लोगों की और उनकी संपत्ति की सुरक्षा करना। और जो चौथा पॉइंट है वह है पुलिस स्टेशन में काम करने वाले स्टाफ का नियंत्रण करना। जैसे कि आपको जब आप ट्रेनिंग करने के बाद पहुंचेंगे तो आपको चौकी इंचार्ज या थाना इंचार्ज बनाया जाएगा, तो वहां पर आपको अपने पूरे स्टाफ को मतलब क्या कहते हैं संभालना होता है, उनको आदेश देने होते हैं, उनका नियंत्रण करना होता है। आपके अंडर में कौन कौन काम करेगा, जैसे कि होमगार्ड, कांस्टेबल, पीआरडी, हेड कांस्टेबल, चीफ कांस्टेबल, ये सभी आपके अंडर में रहते हैं। इन सबको आप कमांड देंगे, आदेश देंगे इन सबका मतलब, और यहाँ तक कि ये जो है इनको छुट्टी भी आप ही देंगे। कांस्टेबल वगैरह जो होते हैं उनको छुट्टी 3 दिन तक की छुट्टी आप दे सकते हैं, वो आप ही के द्वारा दी जाएगी। और जैसे सब इंस्पेक्टर हो क्या होता है, आपको रिपोर्ट तैयार करनी पड़ती है, अपने अधिकारियों को जवाब देना पड़ता है, ये सभी काम सब इंस्पेक्टर के होते हैं, और ये तो लिखित में है। और बाकी ड्यूटी जो रही वो आपका लिखित में जो ड्यूटी है वो तो एक लिखित में अलग रहेगी, लेकिन आपकी जो ड्यूटी है वो 24 घंटे तैयार रहना पड़ता है। क्यों? क्योंकि आपकी ड्यूटी जो है लोगों की रक्षा करना, लोगों की हिफाजत करना, तो उसका कोई टाइम निर्धारित नहीं है। जब आपके पास फोन आएगा, आपको लगेगा कि कहीं किसी जगह समस्या है, तो आपको जाना पड़ेगा, वहां पे देखभाल करनी पड़ेगी। इसलिए सब इंस्पेक्टर की ड्यूटी जो है वो बहुत ज्यादा जिम्मेदारी वाली ड्यूटी है। तो आप सभी लोग जो आगे आने वाले टाइम में चयनित होंगे या इस भर्ती में जो चयनित हुए हैं, आप जब क्या कहते हैं आपकी ट्रेनिंग हो जाएगी, आप फील्ड में पहुंच जाएंगे, तो आपके कंधों पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी आ जाएगी। तो मैं आपसे और खुद से भी यही उम्मीद करता हूँ कि हम लोग सब मिलके बहुत अच्छे से अपनी ड्यूटी निभाएंगे और अपराधियों को सजा भी दिलवाएंगे और अच्छे लोगों का साथ देंगे, क्योंकि पुलिस की इमेज ऐसी होनी चाहिए कि लोग उसे बताते पर अपनी समस्या बताते पर डरे नहीं, बल्कि एकदम खुल के समस्या बताएं कि सर यही प्रॉब्लम है, और हम भी एकदम खुल के उनके साथ न्याय करें, उनको जो गलत लोग हैं उनको सजा दिलवाएं और अच्छे लोगों के साथ अच्छा करें। तो बस यही वीडियो मैं आपको बताना चाहता था। आई होप आपके सभी डाउट क्लियर हो गए होंगे। और बाकी तो पता ही आपको कि पुलिस की ड्यूटी सब जगह लगाई जाती है, कोई सीमित क्षेत्र नहीं है कि यहीं पर ड्यूटी करनी है, आपको फील्ड में भी ड्यूटी करनी होगी, इलेक्शन में भी ड्यूटी करनी होगी, बीआईपी ड्यूटी भी करनी होगी, सभी जगह ड्यूटी लगती है। तो इसलिए अपने आप को प्रिपेयर कर लें, और जैसे कि आपको पता है कि ट्रेनिंग अब शुरू होने वाली है, तो जो आपके पास थोड़ा बहुत टाइम है अपने सभी परिजनों से, भाई बहनों से, मित्र से, बीवी बच्चों से, सभी से, अगर मैरिड हैं तो बीवी बच्चों से सभी से मिल लें अपने जी भर के। उसके बाद फिर तो आपको पता ही है 1 साल आपको ट्रेनिंग सेंटर पर ही देना है, तो बस वहीं पर आप बिताएंगे और मैं भी आपको वहीं मिलूंगा। चलिए तब तक के लिए आपसे बाद में मिलता हूँ, और आई होप आपके डाउट क्लियर हो गए होंगे। चलिए ठीक है, जय हिंद जय भारत।